नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शर्मा जी एजुकेशन के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन की तैयारी करने के क्या है वो राइट वे, एक सही तरीका कि जिससे एग्जामिनेशन की तैयारी भी होती रहे, हम थोड़े बहुत इन्जॉयमेंट भी करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अच्छे तरीके से निकल जाए। अब ये पूरा दिन घुसेड़ना नहीं है, इसमें कुछ अलग तरीके से एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम भी निकल जाए, हम थोड़ी बहुत मस्ती भी कर सकें और हाँ अच्छे से एग्जामिनेशन तैयारी हो। ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनेशन में पेपर्स में ही क्वेश्चन ही छूट जाए या फिर कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो स्टूडेंट हर स्टूडेंट करता है। तो मैं आपको ये क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जामिनेशन को पहले निकाल रखा है और मैंने कंप्लीट कर रखा है एक बिहार पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स पीई यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फटाफट से। सबसे पहले बात करेंगे कुछ गलत तरीकों के बारे में कि कौन सी ऐसी गलत टेक्निक है जो कि हर स्टूडेंट यूज़ करता है अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। फिर बात करेंगे हम लोग राइट तरीका, मतलब सही तरीका क्या है, हमें किस तरीके से करना चाहिए। देखिए, हम आगे वीडियो में बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी के तैयारी करने का जो एक्सपीरियंस है, जो शेड्यूल है, वो अलग अलग हो सकता है, तरीका भी कुछ हद तक बदल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अप्लाई करके अपने एग्जामिनेशन की जो तैयारी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सी गलतियाँ हैं। देखिए, अभी हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, मैं आपसे सीनियर हूँ, आपसे दो चार साल बड़ा हूँ, मैंने कोर्स कंप्लीट कर रखा है, मैंने कुछ इंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया भी है। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे जो जूनियर्स होते हैं, मैंने उनको देखा है कि वो करते ये हैं कि एग्जामिनेशन आने से एक महीना पहले पढ़ते हैं। ऐसा हमने भी कभी कभी किया है, बट ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। जब हमें रिजल्ट मिलता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमने ऐसा इसलिए किया था, तो हमें जो रिज़ल्ट है वो इसलिए मिला है। अब किसी कारण से जो है हम एक महीना पहले पढ़ सकते हैं, या हो सकता है कि हमें टाइम ना मिले या कोई और भी एक्सक्यूजेज हम बना सकते हैं। तो जो लोग एक महीना पहले एग्जामिनेशन से एक महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं अरे चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, एक महीना पहले पढ़ेंगे, सब कुछ लूसेंट स्पीडी से पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन मेरा निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं, क्योंकि एक महीना पढ़ने से आपकी सिलेबस की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, प्रश्नों को देखकर आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये प्रश्न पूछ कहाँ पे दिए, और बाहर आप आकर के ये डिस्कस करते हो कि अरे यार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो तो आउट ऑफ सिलेबस थे, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। इसीलिए एग्जामिनेशन की जो तैयारी करनी है वो आपको स्टार्टिंग से ही करनी होगी, एक महीने वाला जो फंडा है पहले वाला उसे आप बंद कीजिए। सेकेंड जो मिस्टेक करते हैं दोस्तों, वो ये है कि अब सिलेबस देखा नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दिया गया कि क्लास 9th और 10th से क्वेश्चन आएंगे, बस क्लास 9th और 10th के सिलेबस को उठा लिया है या फिर उसके बुक्स को उठा लिया है और पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। डेली पढ़ रहे हैं, तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। एक एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो आप पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया है, सिलेबस जो हमने पढ़ा था, हमें जो दिया गया था, ये तो एक धोखा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना सिलेबस की जानकारी के पढ़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हो सकता है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम निकले ही नहीं, निकलने की तो बात की बात है, आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप सही तरीका का उपयोग नहीं कर पाइएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं होगा कि एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे भी तो किस टॉपिक पर आएंगे या फिर किस चैप्टर से आएंगे। तो इसकी सबसे पहली जानकारी होनी चाहिए, इसकी सिलेबस क्या है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। वैसे आप ब्लॉग पोस्ट भी पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में जो कि हर स्टूडेंट करता है, इनफैक्ट मैंने भी किया है पहले, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखिए, कोई भी काम अगर आसान होगा ना तो उसे करने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अब आसान क्वेश्चन मिल गया है, आप उसे बार बार करिएगा, बार बार करिएगा, और आप ये खोजते रहिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमें बार बार क्यों नहीं मिल रहा है, और जैसे ही मिलेगा आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। मैंने कुछ ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखा है या फिर फी के नाम पर कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कराते हैं। अब चलो ठीक है, स्टार्टिंग में आपको वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो कि काफ़ी आसान है, लेकिन ये आपके लिए हार्म
फुल हो सकता है एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना सकते हैं। एग्जामिनेशन में नो डाउट कि आएंगे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम जो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन, वो आप अलग अलग लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करें, लोअर लेवल का भी जो है सॉल्व करें, इंटरमीडिएट का भी सॉल्व करें और एडवांस का भी सॉल्व करें। तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमारे जो क्वेश्चन सॉल्विंग का एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो उसे हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर चौथी सबसे बड़ी गलती करती हैं, और ये जो गलतियाँ हैं हर स्टूडेंट करता है, हमने भी किया है, थोड़ी बहुत बहकावे के चक्कर में आकर के हम इधर उधर के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि हमारा स्टडी मटेरियल आपके पास पहुँचे, हम आपको कुछ पैसे में, चाहे वो 199 का हो, 299 का हो या फिर 99 का हो, इस तरह के प्रोग्राम लाए जाते हैं, इस तरह के कोर्सेज लाए जाते हैं और इधर उधर के प्रश्नों को दे करके आपको फंसाया जाता है। उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चंस को आप देखें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सिलेबस को पढ़ें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। इधर उधर के प्रश्नों को पढ़ने से आप, अब ये ऐसा नहीं है कि अब फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बट सबका एक माइंडसेट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन की एक लेवल होती है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछना है। हो सकता है कि एसएससी का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, रेलवे का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, नो डाउट, लेकिन हम एक सही तरीके से अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेक्निक इंजीनियरिंग हो या फिर आईटीआई का अगर एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, तो वहां पे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके समझ सकते हैं कि किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे गए हैं, कितने नंबर के, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इधर उधर के प्रश्नों को सॉल्व ना करते हुए अपने सिलेबस पर ध्यान दें, अपने कॉन्टेंट पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये तो बातें हो गई गलतियों के बारे में कि हमने इन गलतियों को किया है, अभी उसे सुधारना है तो कैसे सुधारेंगे, कौन कौन से ऐसी राइट वे है जो हमें करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें रोज पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों होता ये है ना कि हम एक दिन में तीन तीन चार चार घंटे पढ़ लेते हैं, अगले दिन कहते हैं अरे यार आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे चार घंटे पाँच घंटे पढ़ेंगे, तो इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाते हैं और एक दिन कर देते हैं गैप। अगले दिन उठते हैं तो अरे यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज चलो ठीक है डेढ़ घंटा पढ़ते हैं, दो घंटा पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप कभी एक दिन में चार घंटे पढ़ गए, एक दिन में आप पाँच घंटे पढ़ गए, दूसरे दिन में आपने पढ़ा ही नहीं, तीसरे दिन आपने पढ़ा ही नहीं, कभी तबीयत खराब हो गई, तो कभी कोई घर में रिलेशन आ गए, तो कभी छुट्टी हो गया, त्यौहार उसमें व्यस्त हो गए, किसी की पार्टी, तो इस तरीके से हम रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कहना ये है कि आप रोज़ पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। थोड़ा कहने का मतलब ये है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें पाँच पाँच घंटे छः छः घंटे पढ़ने की, हम डेढ़ से दो घंटे ही पढ़ेंगे अगर रेगुलर पढ़ेंगे, सुबह डेढ़ घंटा पढ़ लो, एक घंटा डेढ़ घंटा पढ़ लो, शाम में डेढ़ घंटा दो घंटा पढ़ लो, तो इस तरीके से पढ़ने से होगा ये कि आपकी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन रहेगी। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, रेगुलर रहेगा तो आप जोड़ सकते हो कि अगर मान लो दो दिन में हमने चार चार घंटे पढ़े तो आठ घंटे पढ़े, और फिर आने वाले समय हमने पढ़ा ही नहीं, दो दिन तीन दिन हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसका जो खामियाजा है, उसका जो नुकसान है, हमको भरना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उस चीज़ों को दोबारा फिर रिविज़न नहीं कर पाएंगे। अगर हम रोज़ पढ़ते हैं तो रोज़ हम पढ़ेंगे और हम कंटिन्यूस में रहेंगे, तो हमारा जो माइंड है उस पर उसके साथ रिलेट करता रहेगा, एक कनेक्शन बना हुआ रहेगा। तो हमेशा है थोड़ा ही पढ़ो लेकिन रोज़। यहाँ पे जो अगली सही तरीका है पढ़ने का वो है कैटेगराइज करके पढ़ना। सिलेबस को कैटेगरी करके रखो, चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लो, हो सकता है तो शेड्यूल बना लो कि हम सुबह में इन इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, या मान लो कि अभी से जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, तो समझ लो कि अभी आपके पास दो ढाई महीने हैं। इस दो ढाई महीने में हमें इन सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं एग्जामिनेशन में, सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करके हम एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, बट सिलेबस को ही पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कैटेगरी कर लो कि हमें एक दिन में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लेना है, या फिर किस किस चैप्टर को हमें पढ़ना है, रिविज़न कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे जब जैसे जैसे आप इसको कैटेगराइज करोगे आपके लिए आसान होता जाएगा उन चीज़ों को पढ़ना और याद करते रहना। तो कैटेगराइज करके पढ़ोगे आसान रहेगा पढ़ाई करने का,
डेली आज ये चैप्टर पढ़ लिए, कल वो पढ़ लेंगे, फिर उसमें से किसी और पॉइंट को पढ़ लिया, इस तरीके से करने से पूरा खिचड़ी बन जाएगा और आप रिलेट नहीं कर पाओगे उस चैप्टर से। मान लो कभी आपने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लिया, फिर किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ लिया, वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, फिर इधर आ गए, फिर उधर आ गए, तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा खेल ख़राब हो जाएगा, आपकी जो तैयारी है वो बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगली टेक्निक आप कह सकते हो या फिर राइट वे कह सकते हो पढ़ने का, वो है डेली रिवीजन करना। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को जो डेली रिवीजन ही नहीं करते हैं, और रिवीजन करने का भी एक टेक्निक होता है, मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है कि आपको दोबारा से उस चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ा और वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, तो जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो तरीका है पढ़ाई करने का वो है आपकी रिवीजन करें डेली। आपको थोड़ा ही रिवीजन करना है, जितना भी आपने पढ़ा है रिवीजन करते चलें, नए चैप्टर्स पढ़ें, फिर रिवीजन करें, नए चैप्टर्स पढ़ें, फिर रिवीजन करें। रिवीजन करने से ये होगा कि आप उन पुरानी बातों को याद रखोगे, जिससे आने वाले चैप्टर्स में उन पुरानी वाली बातों का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर रहेगा। अगर वो चीज़ें आपको याद रहेगी तो आने वाले चैप्टर में जो भी थियोरी होगा, जो भी कंसेप्ट होगा, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला चीज़ है, वो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हम लूसेंट से पढ़ेंगे और हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों निकालना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक आप सही तरीके से तैयारी नहीं करोगे, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा हमको एग्ज़ाम तैयारी कैसे करनी है, एग्ज़ाम में हम कैसे अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। एक बार आप ज़रूर से देखें सिलेबस को कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक जो कि बेस्ड ऑन मेमोरी है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और आपको तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए शर्मा जी एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल। वहां से आप जाकर के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो और डिस्कस कर सकते हो हम सभी से। वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो सारे के सारे 1992 से लेकर के अभी तक 2020-22 तक के जो भी जितने भी सेट हैं आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से करें। आने वाले वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जब तक आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों अगर आज की जो आखिरी हमारा राइट वे है स्टडी करने का, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, वो है कि एक किसी इंस्टीट्यूट में जुड़ जाओ या फिर किसी एक कोर्स को बाय कर लो। ध्यान देना, मैं कोर्स बाय करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपकी रेगुलरिटी मेंटेन होती रहेगी। आपको देखिए, आप कितना भी ज़्यादा तेज़ हो पढ़ने में, कितना भी ज़्यादा होशियार हो, सब कुछ आपको आता है, लेकिन एक गाइड करने के लिए आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एक टीचर हो, प्रोफेसर हो या ट्यूटर हो जो कि आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। तो सही रास्ता दिखाने के लिए आप एक छोटा सा कोर्स बाय कर सकते हो। मैं ये कोर्स नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे खरीदो, कि मेरे पास ऐसा कोर्स अभी अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैंने आपको फ्री यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि कैसे आपको एग्जामिनेशन तैयारी करनी है। वैसे कोई कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कि पटना में ही है। आप वहाँ पे जाकर के ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हो। ऑनलाइन भी कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं कुछ कोर्सेज, कुछ स्टडी मटेरियल, वहाँ पे भी आप जाकर के पढ़ सकते हो और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। प्रश्नों का भंडार आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी जो कि हम समझाने में अपना समय पूरा व्यतीत करते हैं, आपसे कनेक्ट करने के लिए पूरा समय लगाते हैं। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अब जो है वीडियो रेगुलर आने वाली है इस चैनल पर, तो मैं आपसे फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।